दोस्तों बहुत ही जल्द जो है होंडाई अपनी एक छोटी सी गाड़ी लॉन्च करने जाना है जो कि ईवी में रहने वाली है। अब तक की ये है होंडाई की पहली गाड़ी रहने वाली है जो लॉन्च होगी मार्केट में बहुत ही जल्द। अब तक जो है होंडाई की गाड़ी पेट्रोल में भी आया करती थी, डीजल में आया करती थी, सीएनजी में भी आया करती थी, बट अब की बार जो है ईवी में भी जो है होंडाई गाड़ी बनाने जा रहा है, क्योंकि टाटा ने कई गाड़ी बना दी हैं अपनी ईवी में। ठीक है जी, कंपटीशन को देखते हुए होंडाई भी कंपटीशन में आगे आना चाह रही है होंडाई। और होंडाई की गाड़ी जो रहने वाली है बहुत ही अच्छी रहने वाली है, होंडाई इंस्टार इसका नाम रहने वाला है। सबसे पहले कोरिया में लॉन्च होगी ये गाड़ी, उसके बाद में कई और देशों में जो है ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि हमें ये इंडिया में भी देखने के लिए मिले, पर ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया में भी ये गाड़ी हमें ईवी में देखने के लिए मिलेगी। गाड़ी जो है 95 bhp के साथ 42 किलोवाट बैटरी और लंबी दूरी तक चलने वाली है। 113 bhp के साथ 49 किलोवाट की बैटरी के साथ ये गाड़ी आती है, जो कि रेंज है इसकी 355 किलोमीटर। 120 किलोमीटर DC चार्ज पर यह 30 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाएगी गाड़ी। ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है जी गाड़ी के अंदर। गाड़ी के फीचर्स वगैरह की बात करें तो स्क्रीन वगैरह इसमें 10.25 इंचेस की इसमें डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी है। इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन वगैरह इस गाड़ी में सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, और काफ़ी सारे इसमें बटन वगैरह हमें गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगे। अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले है, नीचे क्रूज कंट्रोल वगैरह के सारे बटन हैं, यानी कि जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उससे भी और ज़्यादा ही फीचर्स इसमें हमें देखने के लिए, पुश बटन वगैरह, मतलब जितने भी गाड़ियों में फ़ीचर्स होते हैं और ईवीओ से भी ज़्यादा इस गाड़ी में हमें फ़ीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। इंस्टर माइको ईवी 315 के साथ सामने आई है, यानी कि 315 किलोमीटर चल जाती है। तो आपको कैसी लगी ये ईवी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किस किस को लगता है ये इंडिया में ज़रूर लॉन्च होगी वो भी अपनी राय ज़रूर देना। अगर इंडिया में लॉन्च हो गई तो गाड़ी बहुत ही अच्छी रहने वाली है वाकई में ही। तो भाइयों सारी बात होगी, सबसे पहले बात करते हैं अब इसके ऊपर की सनरूफ देखिए आप, पूरी गाड़ी में हमें सबसे बड़ा सनरूफ देखने के लिए इसमें मिलेगा। गाड़ी में देख रहे हो कितना शानदार जो है सनरूफ लग रहा है, ये चीज़ एक बहुत अच्छी रहने वाली है गाड़ी के अंदर। ठीक है जी, टिकट होल्डर वगैरह और अपना शीशा पीछे देखने वाला टच स्क्रीन देखियो कितनी शानदार और कितनी बड़ी इसमें दी गई है, 10.25 इंचेस की ही रहने वाली है। ठीक है जी, नीचे जो है इसके डैग वगैरह चलाने का, यानी कि म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल वगैरह गाड़ी में यहाँ दे दिए गए हैं। गाड़ी क्या चली, क्योंकि देखो गियर वगैरह तो इसमें आते नहीं क्योंकि बटन ही आते हैं ईवी गाड़ी में, तो इसमें सारे ही कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन आपको बीच में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी जगह पर लग रहे हैं। ठीक है जी, बहुत ही शानदार जो है लग रहे हैं, और लुक भी गाड़ी का बहुत अच्छा है, और गाड़ी में देखने में लग रहा है स्पेस भी गाड़ी में काफ़ी सारा रहने वाला है। स्टीयरिंग की बात करिए, स्टीयरिंग में सारे बटन दे दिए गए हैं, और इसके MID की बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत जो है गाड़ी का लग रहा है। और अगर इसके डोर की बात करें, डोर में सारे ही कंट्रोल हमें मिल जाते हैं मिरर के। ठीक है जी, मिरर के कंट्रोल, गाड़ी लॉक अनलॉक, यानी कि सारे बटन जो गाड़ियों में आते हैं सभी इसके अपने डोर पे मिल जाते हैं। स्टीयरिंग वगैरह के भी सारे बटन मिल जाते हैं, डिस्प्ले भी इसमें मिल जाती है। AC इवेंट थोड़े इसके ऐसे नहीं लग रहे जैसे पुरानी वाली बोलेरो जो आती थी, बोलेरो पहले वाली उसके आते थे। किस किस को ऐसे लग रहे हैं बोलेरो जैसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है जी, और साइड और हैंडल वगैरह तो ठीक है, डोर की कोई ऐसी बात नहीं है, पर गाड़ी का इंटीरियर का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना, और कौन कौन चाहता है कि ये गाड़ी जल्द से जल्द इंडिया में भी लॉन्च हो बाहर के साथ साथ, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स बताना। यार मुझे तो लग रहा है यार गाड़ी ज़रूर लॉन्च होनी चाहिए अपने इंडिया में भी, क्योंकि यार गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है अंदर से भी, और गाड़ी बाहर से भी बहुत ही अच्छी जो है लग रही है। ये देखो इसकी बाहर से गाड़ी की लुक, और बताओ बाहर से भी गाड़ी कैसी लग रही है। लग रही है ना गाड़ी एकदम प्यारी, बेहतरीन, शानदार, एकदम बोलते हैं ना मॉडिफाई करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े शीशे हल्के हल्के ब्लैक कराओ और गाड़ी चलाओ, एलॉय डलवाओ और चलन दो काम को। वैसे ना दोस्तों अगर इसके एलॉय ना भी चेंज कराए जाएं तो इन एलॉय पे भी गाड़ी चल सकती है, अच्छे लग रहे हैं एलॉय ये भी। अगर इन्हीं एलॉय के साथ गाड़ी लॉन्च हो जाए इंडिया में तो इसकी, अगर गाड़ी लॉन्च हो इन्हीं एलॉय के साथ लॉन्च हो, और मजे ही मजे आ जाएंगे। किन किन मेरे भाइयों का इस गाड़ी को देखते ही मजा आ गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किस किस का दिल कर गया इसे लेने के लिए। तो दोस्तों गाड़ी बहुत प्यारी है, बड़ी शानदार है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए यहीं रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और करते हैं इंतजार क्या पता है जल्द से जल्द यहाँ पर भी लॉन्च हो।